हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मार्च का मंथ है और आज मैं आपसे 5 ऐसे पौधे आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप उनकी कटिंग लगाते हैं या उनको नर्सरी से परचेज करते हैं तो वो पूरे सीज़न आपको अच्छी फ्लावरिंग देंगे और सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। वो सभी जो हैं एक परमानेंट प्लांट हैं, उनकी कटिंग लगाना भी बहुत ही आसान है, उनकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो उन 5 पौधों को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा, उन्हें एक जगह दीजिएगा और बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग भी करेंगे वो प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, सबसे पहला पौधा अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कनेर का प्लांट लीजिए आप। ये कनेर का जो प्लांट है ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है और ये एक परमानेंट प्लांट भी है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। आपने देखा होगा रोड के किनारे ये बहुत अधिक दिखाई देता है ये प्लांट, इनमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं। तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। कटिंग से ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है इसका। तो एक ये पौधा आप लगा सकते हैं, आप गुड़हल को भी लगा सकते हैं, गुड़हल की कटिंग भी बहुत आसानी से लग भी जाती है और इसमें भी एक हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, बिल्कुल केयर इसकी नहीं करनी पड़ती है। तो ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखो ढेरों इसमें कलियाँ इस तरीके से आपको दिखाई देती हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। कनेर की कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग से इतनी आसानी से ये पौधा लग जाता है कि आप इससे ढेरों प्लांट अपने गार्डन में तैयार कर लेंगे। ये मेरा कटिंग का ही पौधा है सॉरी, और देखिए बॉटल में मैंने लगाया हुआ है। तो इसलिए कनेर को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, ढेरों फ्लावर देगा आपको, ये देखिए। और दूसरा पौधा है दोस्तों नागचंपा का, नागचंपा का पौधा भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये नागचंपा का पौधा है, इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है। ये देखिए जहाँ जहाँ से मैंने इसको यहाँ से कट किया था और यहाँ से नई रूट्स इसकी बनने, नई शाखाएँ बनने लग गई हैं और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। बहुत ही प्यारे इनके फूल होते हैं, कटिंग से ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है। मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ, दो कटिंग मैंने इनकी लगाई हैं तो मैं दोनों ही कटिंग आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कटिंग मैं कहीं से लेकर आई थी, किसी ने मुझे गिफ्ट किया था और आप देख रहे हैं इसमें जो है नई नई पत्तियां जो हैं इसमें आने लग गई हैं। तो ये पौधा आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। ये देखिए, मैं कहीं से ही कटिंग ही लेकर आई हूँ इस प्लांट की और ये कटिंग ही मैंने लगाई है। और जो मैंने अपने गार्डन का पौधा लगाया है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कटिंग का। अभी मैंने बहुत सारी ढेरों कटिंग लगाई हैं, तो ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने गार्डन का कटिंग लगाई थी, ये देखिए बॉटल में लगा कर गई थी कटिंग। और आप देख रहे हैं इनमें जो है पत्तियां आने लग गई हैं, ये देखिए छोटी छोटी पत्तियां इनमें आने लग गई हैं। आप देखिए ये कटिंग से बहुत ही आसानी से दोस्तों ये प्लांट लग जाता है। देखिए मैंने 4 कटिंग लगाई हैं और चारों ही कटिंग जो है सक्सेसफुल रही हैं। आप देखिए ये 3 कटिंग है सॉरी, ये एक कटिंग, ये 2 है, 3, इसमें भी देखिए, ये आप देख रहे होंगे इसमें भी जो है आ गया है। तो ये पौधा भी आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है ये, तो आप इसको ज़रूर लगाएं दोस्तों। दूसरा पौधा है दोस्तों, ये है हमारा बेबी जन रोज़ का प्लांट। मैं इसका मदर प्लांट आपको दिखाऊं, तो ये देखिए ये इसका मदर प्लांट है, ये देखिए ये ढेरों इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं इसमें गर्मियों में, बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। छोटी सी कटिंग भी आप इसकी लगा लेंगे इस तरीके से तो भी ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसमें इस तरीके से देखिए छोटे छोटे इस तरीके के फ्लावर आते हैं रेड कलर के, और आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें मिट्टी में इसको इस तरह से हमें दबाना है बस। और ये देखिएगा, ये थोड़े दिनों में ये प्लांट जो है यहीं से ही उगना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग से ही लगाया था दोस्तों और ये कटिंग जो है चल पड़ी है। तो ये पौधा आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, ये देखिए बेबी सन रोज़ का बहुत ही प्यारा प्लांट है और आप इसे एक बार लगा लेंगे तो आपको कभी भी दोबारा खरीदने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस प्लांट को। अगला पौधा है दोस्तों मैक्सिम पिटोनिया का, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरे पास इनके ढेरों प्लांट हैं और मैं कटिंग से जो है लगाती रहती हूँ इनको। ये देखिए वेस्ट मटेरियल के ऊपर मैंने लगाया हुआ है और अभी गर्मियों में इनमें बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग होती है, इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। और ये देखिए, ये कटिंग मैंने इसकी लगाई थी और आप देख सकते हैं इसकी कटिंग जो है चल पड़ी है, ये आप देखिए
ये आप देखेंगे ये पत्ते इसमें उगने लग गए हैं, तो ये कटिंग हमारी चलने लग गई है। तो ये पौधा भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों ये, एक बार इसको लगाना है और दोबारा आपको कभी लगाना नहीं पड़ेगा। अगला पौधा दोस्तों ये है यूफोर्मिलिया, ये एक बहुत ही अच्छी हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है जिसको लगाना बहुत ही आसान है, कटिंग से ये बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है। ओवर वाटरिंग आप इसे नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये प्लांट जो है मर जाएगा आपका। और ये देखिए ये मैंने कटिंग ही लगाई थी और इसकी कटिंग भी चल पड़ी है, आप देख सकते हैं इसमें ये आप ग्रीन ग्रीन पत्ता देख रहे होंगे जो कि आ गया है। तो ये पौधा भी आप जरूर लगाएं, एक बार आप लगा लीजिएगा दोबारा आपको कभी इसको खरीदना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे बहुत सारी कटिंग्स जो हैं लगाती रहती हूँ और एक अच्छा अनुभव भी लेती रहती हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपसे जो है 5+ ऐसे पौधे शेयर किए हैं जिनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।